विगत 10 मार्च से बहुप्रतीक्षित लौली झील का जो यहाँ पे काम है वो एक तरह से शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की जा रही है और इसके बाद DPR बनाई जाएगी और उम्मीद है कि पिछले 12 सालों से जो स्थानीय लोगों की मांग थी यहाँ पे एक झील बनाई जाए जिससे कि जो ये खूबसूरत गगनचुंबी घाटी है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे पहुँचे और पर्यटन से जो भी रोजगार स्थानीय लोगों को मिल सकता है वो मिले। मेरे साथ यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे जो सिंचाई विभाग जो इसे बना रहा है उसके अभियंता भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि जनता यहाँ पे क्या चाह रही है और सिंचाई विभाग किस तरह से इस झील को बनवाना चाह रहा है, इन मुद्दों पर बात करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ के वरिष्ठ समाजसेवी हैं उनसे। सर आपका शुभ नाम? खेम सिंह सचवान जी, ग्राम कुमेठा। यहाँ पे हमारी विगत 12-13 वर्षों से यहाँ पे झील की मांग रही। इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी से भी हमने वार्तालाप किया। यही जगह इसके लिए चयनित थी। आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे ये काम शुरू होने जा रहा है और आशा है कि शीघ्र यहाँ पे झील बनी। जहाँ से कुछ कहते हैं कि नीचे बने और इस वजह से भी बार बार इसका काम रुका है, हालांकि अब मुझे लगता है कि सिंचाई विभाग इस मुद्दे पे कहीं सहमत हुआ है कि शायद यहाँ पे 2 झील बनेंगी, तो आप लोग सहमत है उसके लिए? सर जो हम विकास के मामले में तो हम पीछे नहीं हैं, गवाड़चों का विकास होना चाहिए, लेकिन माननीय खंडूड़ी जी के टाइम से जो पहला स्थान जो है गढ़गोला लौली के बीच चयनित किया गया था जहाँ की अपार प्रचुर मात्रा में पानी भी है, तो पहले यही वो झील बननी चाहिए और इसके बाद जब पानी स्टोर हो जाएगा तो आगे डडवा देवी उसके आसपास भी ये झील बन सकती है, क्योंकि विकास सबका होना चाहिए। आप भी यहाँ पे स्थानीय हैं और बता रहे हैं आपकी जब से इस बात की शुरुआत हुई थी कि यहाँ पे झील बननी है तब से आप लगे हुए हैं, फाइल आपके पास सुरक्षित है गाँव में, किस तरह से चला ये पूरा जो आप लोगों ने आंदोलन किया या बात जनप्रतिनिधियों के आगे रखी, किस तरह से रहा सर? सर हम 2006 से लगे हुए हैं इस काम में कि कभी फाइल किसी को दो, कभी किसी को दो, कभी किसी को दो। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा था कि यहाँ से पलायन रुके, पलायन रोकने के उसमें हमारे ये था कि यहाँ पे झील बने और झील यहाँ पे पानी भी है, चयनित भी हो रखा है और अब देखते हैं कि क्या होता है। आप लोगों के वो से यहाँ पे लोग भी आ ही रखे हैं, मतलब कि काम भी स्टार्ट हो ही गया है, तो सिंचाई विभाग के भी लोग हैं यहाँ पे, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे झील बने, 12-13 साल से हम काम कर रहे हैं इस पर, यहीं पर झील बने, यहाँ से जो है कि पलायन रुक सकता है, नहीं तो गाँव के गाँव खाली हो गए, पूरी जमीन बंजर पड़ गई, सब लोग पलायन हो गए। अगर यहाँ पे झील बनेगी तो पलायन रुकेगा। तो आपने बहुत लंबे समय से ये पूरा इलाका देखा होगा बचपन से और यहाँ तक बताते हैं कि जो ये गगाड़चों का इलाका है, राहुल सांक्रतायन कभी यहाँ आए तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ से बढ़िया सूर्यास्त तो कहीं से भी नहीं दिखाई देता। तो या क्या क्या खासियत है यहाँ पे कि जब झील बन जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे वो किस तरह से अपना मनोरंजन कर पाएंगे? सबसे पहले मैं सीताराम जुयाल, सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमांडेंट BSF, समाज सेवा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये बोलना है कि 2006 में यहाँ पर झील का ये सर्वे, समझो सर्वे ही हुआ था, तो उसमें ये था, पहला पॉइंट था यहाँ, इस पॉइंट का कौन था जहाँ पर हम खड़े हैं, ये लौली और घटगोवा के बीच वाली जगह है। तो हमारा ये था कि घटगोवा लौली के बीच ही झील बने, इसके लिए हम लोगों ने जो है अपने मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी को 2006 में श्रीनगर में जाके भी उनको ये कागज हैंडओवर किया है। इस क्षेत्र की खासियत ये है कि जब कंडोलिया से आप शाम के टाइम सूर्यास्त के टाइम पर वहाँ से अगर यहाँ का दर्शन करेंगे इस गगनचुंबी झील पट्टी का, तो आपको सूर्यास्त होते हुए एक अलग ही किस्म का माहौल मिलेगा। अब यहाँ झील का जो प्रपोजल हुआ है तो झील होने से 5 बातें मेरे तरफ से बताई गई हैं, जो भी लोग आए हैं मैंने उनके यही बताया। सबसे पहले झील बनने से यहाँ मत्स्य पालन भी होगा, पानी का संचय होगा, पानी संचय होने से इरिगेशन सिंचाई भी हो सकेगी और इसमें झील बनने से बोटिंग होगा,
कुछ लोगों की नौकरी लगेगी, कुछ लोगों का व्यवसाय चलेगा, दुकान चलेगा। एक और बात जोड़ के बताइए कि क्या अगर आप इतना ऊंचा ये बंद बनाएंगे, क्या ये पानी बाहर जब बाहर निकलेगा क्या इससे बिजली पैदा नहीं हो सकती? मैंने कहा मैं तो एक सीधा साधा फौजी आदमी हूँ, लेकिन आप तो टेक्निकल आदमी है, क्या इससे बिजली पैदा नहीं होगी? बिजली पैदा होगी, बोला इतनी ज्यादा नहीं होगी। मैंने कहा कम से कम हमारे गगवाड़सियों सितुंतियों और पैदलसियों क्षेत्र के लिए तो बिजली पैदा हो जाएगी। हमको तो जो बिजली हम बाहर से ले रहे हैं वो तो नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस कहने का मतलब ये चार पांच बातें हैं, इससे फायदा होगा, पर्यटन आएगा, पौड़ी का नाम जो है इस झील के साथ जुड़ेगा और पौड़ी पर्यटक नगरी बनेगा। और जो है आपने तमाम नजदीकी से देखा इस इलाके की, क्योंकि आप राजस्व विभाग में रहे, तो किस तरह से चल रहा है काम? सेटिस्फाइड है आप? बढ़िया हो रहा है काम? जी मैं बी एस मंडाई, मैं इसमें दो गांव ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तमलाग और पुंडोरी। इन दोनों गांव लोगों ने प्रस्ताव दे रखे हैं, जबकि यह जमीन हमारी जा रही है, एनओसी दे रखी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब रही बात जब यहाँ से शुरू, बीच में बताते हैं कि कई बार सर्वे हुआ था, बीच में पता नहीं कब आता है, लोगों दोबारा सर्वे ये हो रहा है, अभी ये टेस्टिंग चल रही है, तो कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं ये ऊपर वाले गवर्नमेंट वाले, तो अच्छी बात है वो। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो प्रस्ताव पहले शुरू से है इस झील को बनाया जाए, इसका जो पानी कलेक्ट होगा इसको पंप द्वारा फिर आप ऊपर ले जाओ, और गवर्नमेंटपुरी घाटी में अगर झील बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे साथ यहाँ पे इस इलाके के युवा लोग भी हैं जो यहाँ पे व्यापार भी करते हैं, और उनको भी उम्मीद है कि जब ये झील बन जाएगी तो, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आएगा तो उनका भी जो रोजगार है वो बढ़ेगा। आप इसी इलाके में कारोबार कर रहे हैं तो आपकी क्या उम्मीद है? सर यहाँ पे जो झील बनेगी इसके कारण जो यहाँ पे युवा पीढ़ी है उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, साथ ही यहाँ पे अगर मेरे विचार से अगर यहाँ पे रोपवे लगाया जाए तो जो कंडोला से उजाड़ी तक रोपवे लगाया जाए तो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो सिंचाई विभाग के अभियंता हैं वो भी हैं मौजूद, और क्योंकि वो इस काम का जो यहाँ पे अभी सॉइल टेस्टिंग और तमाम किस्म के जो सैंपल भरे जा रहे हैं उस काम को देख रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मनोज सिंह नेगी, कनिष्ठ अभियंता सिंचाई जी। नेगी जी ये बताएं कि अभी जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बोरिंग हो रही है और आप लोग यहाँ से पाइप पानी लेके आ रहे हैं उसको ठंडा करने के लिए संभवतः, तो इसमें अब जब DPR बनेगी इसमें कितना समय लग जाएगा? इसमें ऐसा है सर, ये अभी इसमें ये पहला टेस्ट हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे 7 टेस्ट और होने हैं जो इससे संबंधित हैं। ये रॉक का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हम रॉक की जो प्रोफाइल है उसे उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर सॉइल का टेस्ट होगा, एग्रीगेट का टेस्ट होगा, उसके अलावा रॉक के टेस्ट होते हैं, रॉक ब्लॉक टेस्ट होता है, उसके अलावा काफ़ी से टेस्ट यहाँ पे होने हैं। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बेस पर DPR का गठन किया जाएगा। ये जो टेस्ट हो रहे हैं सर ये हम कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, अदरवाइज थर्ड पार्टी कह सकते हैं, और जो हम इसका DPR बनाएंगे वो विभाग खुद बनाएगा। एक बार अगर हमें टेस्ट रिपोर्ट सारे मिल जाते हैं, उसका एनालिसिस हो जाता है, तो DPR बनाने में, डिज़ाइन करने में कोई क्या जो फंड एलोकेशन है काम करने के लिए वो आ गया है? फंड एलोकेशन जो आया हुआ है वो खाली अभी टेस्टिंग के लिए आया हुआ है। हमने टेस्ट मतलब DPR बनाने के लिए टेस्टिंग के लिए जो फंड 60 लाख की डिमांड की हुई थी, तो वो अलॉटमेंट उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो उसका हमने टेस्टिंग भी शुरू कर दिया है। बता रहे हैं आपके दो झीले बनेंगे, क्या नीचे और एक ऊपर, तो किस तरह का बनेगा स्ट्रक्चर, कितनी लंबी चौड़ी, लगभग कितना क्या रहेगा? तो उसमें अभी तो DPR जब बनेगी तभी क्लियर हो पाएगा। मेनली तो मैं कनिष्ठ अभियंता हूँ, हमारे साहब अहमदा साहब जा रहे हैं, मोटा मोटा थोड़ा आइडिया हो जाएगी कैसी झीलें बनेंगी, ये बड़ी होगी छोटी होगी क्या होगा? इसमें सर दो झीलें रखने का प्राविधान मेनली यही है कि यहाँ पे जो हमारी साइट नंबर 2 है पुंडेरी, यहाँ पे पानी की तो काफ़ी मतलब पानी बहुत मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे जो पीछे हमारा पानी स्टोर होगा वो वाइड एरिया यहाँ पे उपलब्ध उतना नहीं है। जो हमारी साइड नंबर 1 है उजाड़ी डटवा देवी मंदिर के पास में, वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है, लेकिन वहाँ पे पीछे जो हमारा सैचुरेटेड वाइड पीछे का जो एरिया है वो काफ़ी वाइड है, तो वहाँ पे जब जो पॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो इस वजह से दोनों जगहों में प्रपोजल रखा गया है। बाकी सर जब DPR फाइनल होगी तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या है स्थिति, क्या बन रही। तो फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनकी उम्मीदों को पंख तो लग गए हैं, क्योंकि जब DPR बन जाएगी तो तमाम किस्म के जो क्रियाकलाप हैं यहाँ पे हो सकेंगे। टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो वो बोटिंग कर सकता है, यहाँ पे मत्स्य पालन किया जा सकेगा और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा अगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि शायद एक रोपवे कंडोलिया से यहाँ पे बने तो उससे भी पर्यटक काफ़ी यहाँ पे आने में पसंद करेंगे इस इलाके में। और जो गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी है
जिसे पर्यटन नगरी कहकर संबोधित किया जाता है। बेहतरीन हिमालय का दृश्य वहाँ से दिखाई देता है और साथ में जब ये झील बन जाएगी तो वो सोने पर सुहागा होगा। जागो उत्तराखंड के लिए लाली गगवाड़सू से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट। हमारा तो अगला क्या है, यहाँ ये झील बन जाएगी ना तो वो मंदिर में जाने के लिए यहाँ बनेगी रोप वे। जो रुड़की से इंजीनियर आए थे उनके साथ भी बात हुई मेरी। हाँ। मैंने उनको ये बोला वो पर डे जो है पानी की टेस्टिंग करता था पर डे। अब यहाँ कह रहे हैं क्या